और नेहा बता रही थी मुझे कि आज का ही दिन था 1 साल पहले और जब मेरे इसको को मेहंदी मेहंदी लग लगी। रही हेलो थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिदलिक ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो आज फिर से एक नई सुबह हो चुकी है और हमारा कुछ इस तरह से प्लान है कि अभी फिलहाल हमें जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि आज नेहा का चेकअप डे है। और दूसरा ये है कि आप देख सकते हैं हालत मेरी कितनी खराब हो चुकी है, और आज हमने सोचा है कि हम ग्रूमिंग भी करवाएंगे। मैंने तो करवानी है, नेहा का आइडिया नहीं है। अगर नेहा ने भी करवानी होगी तो उससे भी मैं पूछ लूंगा। तो बस अब रेडी होते हैं और निकलते हैं और इस ब्लॉग को भी मैं शुरू करता हूँ। तो सुबह सुबह दोस्त हमारी आ चुकी है और दूध तो इसको पिला दिया, फिर भी लगता है और भूख लगी होगी, और दे देते हैं इसको। तो कहाँ मैम बिट्टू, क्या हेलो से हेलो कर दो, हेलो करो, हेलो क्या होता है ये, क्या होता है ये है गुड। तो आप सभी लोगों को तारा माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो आज मौसम काफी अच्छा है, आज फिर से कोई बादल नहीं है, धूप लगी हुई है, तो घूमने का भी ऐसे मौसम में काफी मजा आ जाता है। हाँ जी, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, आ जाओ अंदर आ जाओ, चलो आ जाओ। गुड मॉर्निंग, रेडी? नेहा तो नहा धो के रेडी भी हो चुकी है। मेरी बारी है तो मैं सोच रहा हूँ फ्रेशन अप हो जाता हूँ। तो अभी अभी फिलहाल मेरा योगा एक्सरसाइज हुआ है। और आज लेट हो गया हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि ना कल रात से मेरे लेफ्ट साइड में फिर से दर्द स्टार्ट हो गया। अभी कुछ टाइम तक थी नहीं, कल शायद इतना क्राउड था और धूप भी बहुत तेज थी, तब शायद हुआ होगा। सुबह मैं उठी, मैंने अपना जो मॉर्निंग मील लिया, मैं फिर सो गई 1 घंटे के लिए। फिर उठी, फटाफट ब्रेकफास्ट बनाया, अपनी पूजा करी, प्रेस करते हैं हॉस्पिटल चलते, क्योंकि मम्मा भी गांव से आने, उन्होंने कुछ ओह अच्छा, सामान हाँ पकड़ाना है, वो स्पेशली आ रहे हैं। उसके बाद मम्मी 26 के बाद, मतलब 1 हफ्ते के लिए आएंगे, जब तक अक्षय की मम्मा नहीं आते हैं। अच्छा। तो अभी आपने प्रेस कर दी, फिर अभी बोलते तबीयत हैं, ठीक है आपकी? मतलब सर उतनी में दर्द दर्द ठीक नहीं है? है, हल्की हल्की दर्द है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी जब सैलून जा रही हूँ, अभी अपना मेकओवर तो नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा सैलून दूसरा है, वहां हम कल जाएंगे। पर ये सोचूं मैं अपने थोड़ी कटिंग करवा दूं बालों की। हैं हाँ कुछ ऐसा कर विचार? लेती हूँ, क्योंकि फिर आगे जाके थोड़ी सी होती है ना, केयर अच्छे से नहीं हो पाती, तो छोटे छोटे बाल कर देती हूँ। चलो देखते ठीक हैं। हम लोग रेडी होके घर से तो निकल चुके थे, पर नेहा को कुछ काम आ चुका है। वो विकास नगर में उतरी है तो मैं उसका फिलहाल के लिए वेट कर रहा हूँ। आई डोंट नो उसे क्या सामान चाहिए। और अब हम डायरेक्ट यहाँ से जाएंगे तेंजिन हॉस्पिटल, क्योंकि सबसे पहले नेहा का वहाँ पे चेकअप है और उसके बाद हमने जाना है ढली। नेहा के मम्मी आज आ रहे कुछ सामान लेके, तो वो भी हमें लेना है और फिर ग्रूमिंग भी करवानी है। फिलहाल के लिए ये है अभी की लुक, देखते हैं कैसा चेंज आता है। तो मैं नेहा का वेट कर लेता हूँ। अभी मॉर्निंग का बढ़िया टाइम है, देखो सड़कें बिल्कुल खाली है। इससे पहले आते तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता, पर चलो फिलहाल मेरे को यहाँ साइड में पार्किंग भी मिल गई है। तो नेहा भी आ गई है, मिल गया सामान, चलो शुक्र है। किसकी शॉप में मिला? वो आंटी जो जिनसे आप वो चूड़ी वगैरह लेते हाँ रहते हो? हाँ, मेरे को लग भी रहा था उन्हीं के पास मिलेगा, और तो कहीं पे मिलना मुश्किल मुश्किल ही है। था। चलो अभी चलते हैं, चलो यार डायरेक्ट निकलते हैं, हम लेट हो हॉस्पिटल के गया। लिए लेट हो गए ना। चलो तो हम हॉस्पिटल तो पहुंच चुके हैं, हमने गाड़ी साइड में लगा दी है, आज हमें अंदर ही पार्किंग मिल गई है। फिलहाल के लिए हमने यहीं पे गाड़ी लगाई क्योंकि हमें ज्यादा काम नहीं है। आज नॉर्मल चेकअप है ना आपका? हाँ जी, आज नॉर्मल है, हाँ, तो मैं जल्दी पहले फ्री हो ही जाएंगे। निकाल देती हूँ फाइल। हाँ ठीक है, और एक रिपोर्ट भी है यूरिन कल्चर की, वो भी हमें लेनी है। वो ठीक थी वैसे, हमने दिखा दी थी, पर यहाँ से कलेक्ट नहीं की थी हमने। वो डायरेक्ट हमारे यहाँ पे काफी सारे नोन है तो वो हेल्प कर लेते, दिखा देते डॉक्टर साहब को। तो अब जाके हम लोग हॉस्पिटल से फ्री हुए, तो मैं तो डर ही गया था क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग गया। और मैम ने कहा था पिछली बार के सिर्फ जनरल सा एक चेकअप होगा और उसके बाद आप फ्री हो। तो नेहा बाहर ही नहीं आ रही है, तो मैं सोचा कि पता नहीं क्या हो गया बच्चे की है। हार्ट रेट चेक करने में ना टाइम लग गया। पहले वो अच्छा, अपने नॉर्मल मशीन से करते हैं ना, हाँ, पर उन्हें थोड़ा सा लग रहा होगा, तो इसलिए उन्होंने फिर मशीन में करी, तो उसमें ना टाइम लगता है काफी ज्यादा ना, तो 10 मिनट लग गए थे। और मैम अक्षय को बोलती घर पे बेबी की फुल ऑन मूवमेंट होती है, पर जब हॉस्पिटल आना है तभी पता नहीं सो जाता है या क्या होता है, मेरे और समझ नहीं आती। इस बीच में नेहा के मम्मी भी पहुंच गए, तो वो हमें डांट रहे थे कि तुम फ्री नहीं हुए। फिर मैंने उन्हें समझाया कि थोड़ा सा टाइम बढ़ गया, क्योंकि नेहा के अकॉर्डिंग तो हमें 5-10 मिनट लगने थे, पर हॉस्पिटल में टाइम लग ही जाता है। तो अभी हम लोग फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। मम्मी ने कुछ सामान रखा हुआ है कहीं पे, तो वो भी उठाना है हमें, और बाकी गाड़ी में बात करते हैं, पहले गाड़ी में बैठ जाते हैं। आधा दिन तो हमारा हॉस्पिटल में लग गया, वही बात है ना, सोच के कुछ जाते हैं। अभी मेरी मम्मी का कॉल आया कि तू तो सिर्फ 10 मिनट बोल रही थी, हमें भी वही लगा था, मुझे खुद को लगा था कि 10 मिनट है, पर नहीं, वो थोड़ा सा टाइम लग गया। और एक सच्ची बात आप लोगों को बताऊं, अब जैसे पता नहीं होता ना, डॉक्टर एकदम कुछ करने को बोल देता है, तो मुझे बहुत डर लगता है। तो मम्मा तो चले गए सामान छोड़ के, उन्होंने किसी के घर जाना है जिसके लिए वो आए थे, पर मैंने फिर भी बोला है कि 5 मिनट के लिए तो ऊपर आ जाओ, क्योंकि उनको भी कुछ सामान पकड़ाना है,
तो अभी डांट तो पड़ेगी मेरे को पता है, पर शायद अक्षय मम्मी बोल रहे थे कि अगर उनका वो काम हो जाएगा तो वो आज ही वापस चल जाएंगे। पता नहीं, आज हमें सलून में भी बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। आज अक्षय अपने बालों को कलर करेंगे, बहुत टाइम बाद तो ऐसा कुछ करते हैं। और इसीलिए क्योंकि हमारी एनिवर्सरी भी आ रही है 2 दिन बाद, उसके बाद ये है कि एक शादी में भी जाना, जैसा हमने आपको बताया। हाँ, तो देखते तो कैसा कैसा प्लान। उसके बाद मेरे को लगता है अक्षय कलर नहीं कराएंगे। नहीं, और मैं तो ऐसे भी खुश था विद व्हाइट हेयर्स, पर मैंने कहा चलो जब सब बोल रहे हैं तो मैं थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अक्षय के साथ मैं भी जाऊंगी अब, क्योंकि स्पेशल मेरे को घर छोड़ने तो कहाँ आएंगे। तो अब मैं भी बैठू, नहीं मैंने बोला है ना कि मैं बोर हो जाऊंगी, तो मैंने सोचा कि मैं कटिंग करा दूंगी। और क्या करूंगी, अक्षय को बहुत टाइम लगता है। ये बढ़िया है कि बोर हो जाऊंगी तो मैं कटिंग करवा दूंगी, बढ़िया है। थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि पहले तो मेहंदी लगानी थी, मेहंदी तो आपको पता है घर में ही आ जाएंगे, तो फिर और क्या करूंगी। चलो ठीक है, तो कटिंग करवा लेना। उम्मीद ये है कि वहाँ पे रश नहीं होना चाहिए, नहीं तो ओ यार करवा चौथ भी आ रहा है, यहाँ रश भी हो सकता है। तो आप वाले से तो बॉयज ही कटिंग कराते हैं ना, तो बॉयज का नहीं, मेल की भी कटिंग करते भाई वो। ओ यार अक्षय, चलो फटाफट चलते हैं, कोई नहीं, चलो आपके लिए तो निकाल ही देगा टाइम। कोई बात नहीं। तो जी हम लोग संजौली पहुंच चुके हैं, और वाह यार इस कैमरे में तो गुरुद्वारा भी काफी अच्छा नजर आ रहा है। गुराशीष भाई आपके लिए गुरुद्वारा के दर्शन। और आज ना काफी ज्यादा क्राउड है क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट पहुंचे, और फिलहाल के लिए अभी ऐसा प्लान है कि ढली जाना है, वहां से सामान उठाना है, उसके बाद जाएंगे सलून। और सलून का अपडेट अभी हमें मालूम नहीं है, बहुत ज्यादा रश भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए अभी देखते हैं कैसा प्लान बनता है, यहाँ से तो निकल जाए एक बारी। तो फाइनली मम्मी का बैग भी हमारे तक पहुंच गया, पुश्तैनी बैग है। जब से मैं ढली रहती थी तब से मम्मी जो भी कुछ सामान बेचते थे इसी ग्रीन बैग में बेचते, मम्मी का फेवरेट बैग है। तो हम सोच रहे हैं कि मम्मी यही आ गए हैं, तो उनको भी मिल लेते हैं और उनको सामान पकड़ा देते हैं, फिर उसके बाद हम वापस चलते हैं। सही बात है, हमें बस ये बैग ही उठाना था क्योंकि इसमें घर से कुछ सामान आया है, तो हमने सोचा कि इसको पिक कर लेते, काफी टाइम से यहाँ पड़ा था। फिर दिक्कत ये हो जाती है ना कि कोई कहीं ऐसा ना हो जाए कोई अपना बैग समझ के उठा ले, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बैग होते हैं यहाँ पे। तो मम्मी कितना दूर है यहाँ से? बस यही जहाँ से रोड नहीं जाती है नीचे आगे वही है। चलो मम्मी से भी मिल लेते हैं एक बारी, फिर उसके बाद मम्मी क्या पता वापस चले जाए। तो सलून भी जाना है यार, हम अक्षय ने वैसे ही डरा दिया मेरे को कि आज क्राउड भी हो सकता है, पता नहीं। डरा नहीं रहा मैं, एक रियलिटी बता रहा हूँ आपको कि हो सकता है कि आज क्राउड ज्यादा हो, क्योंकि अपना करवा चौथ आ रहा है, आपको पता है सारे लोग जो है ना सलून भी गए होंगे। हाँ, जैसे कल लोअर बाजार में थे, वहाँ भी बहुत क्राउड था। चलो हम लोग भी मम्मी से मिलते हैं और आपको भी मम्मी से मिलाते हैं। भागने का कोई फायदा तो हुआ नहीं, आना तो पड़ा आपको मिलने। ऊपर थक गए ना, कैसे हो आप? ठीक हूँ। सामान भी पहुँच चुका है, सामान में लस्सी है। मम्मी बेचारे गांव से लस्सी लेके आए हैं, और ऐसी आदत हो गई है ना लस्सी पीने की, मतलब हमें शहर वाली पसंद नहीं आती है। हम लोग गांव की लस्सी पी रहे हैं, शहर की लस्सी हमने छोड़ दी है क्योंकि वो वैसे भी पानी पानी होता है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। और सुना मम्मी कैसे आप? बढ़िया। तो अभी आप यहीं पे रुकोगे? नहीं जाना है वापस ना, अगर जल्दी हो जाएगा तो चली जाऊंगी मैं अभी। ठीक है, वैसे अभी तो हमारे को भी सलून जाना है, हम भी लेट हो चुके हैं। अच्छा, फिर आपने कब आना है? मम्मी भी आपको बता दूं, मैं मम्मी हमारे साथ रहने आएंगे कुछ दिन, 28 तारीख तक आऊंगी। तब क्या करना आगे, तब तो इस अच्छा तो मत आओ, मम्मी आ जाएगी। छब्बीस है शादी, 27 28। हाँ ये तो है, वही तो हमें भी जाना है ना, जिस शादी में उसी की बात करें। पर चलो जब आप लोगों को टाइम हो तब आओ, हमारी साइड से ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। हम वैसे अभी भी ट्राई करते हैं कि हम दोनों खुद से करें, तब पता जब 9th में लग जाता है ना मंथ तब तो आना ही पड़ेगा। हाँ। तो चलो मैं आपको आपका सामान पकड़ाती हूँ, अगर आप नहीं जा रहे हो आज तो फिर पहले विकास नगर आ जाना, मेरा देखूंगी मैं शाम तक। क्या मम्मी है, मम्मी कहीं नहीं जाएंगे आज। जगह जगह रोड पे ना करवा चौथ के स्टॉल लगे हैं जिसमें करवा चौथ की सारा सामान मिल रहा है। देखो मैं अभी संजौली से आ रही थी ना, तो मुझे अक्षय हर एक जगह में छोटे छोटे स्टॉल दिख रहे थे। विकास नगर में भी बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं छोटे छोटे, और हमारे पड़ोस में भाभी है जो जैसा नेहा बता रही थी पिछले ब्लॉग में कि उन्होंने भी अपना स्टॉल लगाया है, वो मेहंदी लगाएंगे करवा चौथ तक। नहीं तो नेहा बोल रही थी कि संजौली में जब तक आप कटिंग करवाओगे मैं मेहंदी लगवा लूंगी, और अब प्लान बिल्कुल चेंज है। अक्षय के सलून के साथ ही मैंने कल ही देखी थी, दो लड़कियां बैठी थी, मैंने कहा आराम से बैठ के मेहंदी लगाऊंगी और क्या करूंगी, पर अच्छी बात है अब घर पे ही है। और बड़ा अच्छा लगता है ऐसे जगह जगह ना छोटे छोटे स्टॉल देख के करवा चौथ के, और लड़कियों को वैसे ही सजने का शौक होता है अक्षय, तो लड़कियां तो वैसे ही खुश हो जाती है। अभी तो मैं भी सज रहा हूँ भाई। हाँ, और सजने से याद आया कि मेरे पति ने मेरे लिए करवा चौथ पे एक सूट मंगाया था ऑनलाइन। हाँ।
वो कल आ गया है तो मैं आपको दिखाऊंगी, वैसे तो परसों अच्छे से पहन के दिखाऊंगी, पर वो बहुत अच्छा आया है। थैंक यू सो मच। मैं घर जाके आप लोगों को पक्का दिखाऊंगी, मेरे को याद नहीं रहता है। करवा चौथ पे गिफ्ट तो बनता ही था कुछ ना कुछ, तो मैंने सोचा कि चलो एक वही। और कलर इतना अच्छा है, मतलब मान गया अपने पति को, कलर बड़ा सुंदर है। और चलो नेहा को पसंद आ गया, वही एक अच्छी बात है। अब वैसे कल पहुंच चुका था वो, तो हमने सोचा कि चलो आपको इस वाले व्लॉग में दिखाएंगे। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें फर्स्ट फ्लोर पे ही पार्किंग मिल गई है, और अब हम निकलते हैं यहाँ से, सीधा पहुँचेंगे संजौली, और आपको दिखाते हैं कि संजौली में करवा चौथ की कैसी तैयारी है। अभी आगे तो हमने थोड़े से स्टॉल दिखाए थे, पर यहाँ मेहंदी भी लग रही है, तो आपको अभी दिखाएंगे हम ऊपर जाने से पहले। तो संजौली में ये फायदा है कि हर चीज होती है, जैसे भी त्योहार हो उसके अकॉर्डिंग सब चीजें मिल जाती है, जैसा पहले भी बताया था। तो अभी हम निकलते हैं बाहर यहाँ से, और आई होप के भाई कटिंग हो जाए टाइम से मेरी, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। लंच टाइम भी हो रहा है तो भूख भी लग रही है, अगर ज्यादा टाइम लग रहा होगा ना लंच करने आ जाएंगे ना। तो ये देखो आप, संजौली में क्राउड बढ़ता ही जा रहा है। तो पहला स्टॉल देखो यहीं पे लगा हुआ है, यहाँ पे वेटिंग में भी है लोग, तो अच्छा हुआ कि आप यहाँ नहीं करवा रहे, नहीं तो वेटिंग में आपको बैठना पड़ता है ना। और इतनी देर चेयर में बैठना मुश्किल हो जाएगा, चेयर पे बैठना तो मुश्किल हो जाएगा। ये सुविधा अच्छी है, आपको घर पे ही मिल रही है ना? मतलब मेरे अकॉर्डिंग ना चलना फिर भी ठीक है, पर बैठा नहीं जाता ज्यादा दूर, ये चीज होती है। तो चलो, हाँ जहाँ से हम लोग सलून को एंट्री करेंगे वहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बहुत सारे बैठे हुए। वाह, लग रही है मेहंदी, अभी नहीं लग रही है मेहंदी, तो हमारा सलून यहीं से ही ऊपर है, तो अभी देखते हैं रश है कि नहीं। आज तो अंकित भाई अभी व्यस्त लग रहे मुझे, ज्यादा ही छोटे तो नहीं करवा दिए बाल तो हम दोनों साथ साथ ही बैठे, एक साइड रविंदर भाई कर रहे, एक साइड अंकित भाई, और नेहा के बाल दिखा रहे थे, एक टाइम में इतने ज्यादा कट गए, मेरा तो अभी चल ही रहा है काम। हाँ जी अंकित भाई आ जाओ। तो मुझे तो ये कपड़ा पहना दिया गया है, अब कलर होगा बालों में, तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस कपड़े से हाथ बाहर निकल जाता है, तो मैंने सोचा कि कैमरा यूज कर लेता हूँ। अभी नेहा का काम थोड़ा बाकी है, मैं सोचा कि अभी पहले अपना काम तो एक बार पूरा करवा लूँ, फिर दिखाऊंगा नेहा की पूरी भी। तो अपना काम तो हो चुका है, अब जा रहे हैं हम लोग खोबलू, क्योंकि लंच टाइम से ऊपर हो चुका है, भूख भी अपने को बहुत ज्यादा लगी है। अरे क्या बात है, लुक तो दिखा दो जरा खड़े होके हमें, ये क्या बात है, मैं कैसा फील हो रहा है जैसे स्कूल टीचर। अच्छे लग रहे हो, थैंक यू। चलो अभी कुछ नहीं सोचा था मैंने, भैया को बोला बस काट दो और शोल्डर तक। हाँ वैसे लेंथ ही छोटी किया आपने, कोई स्टाइल नहीं किया। चलो अभी देखते हैं अंदर अपने को जगह मिलेगी कि नहीं। यहाँ क्या बिल्लू, हेलो काम है बेटू, गुड मॉर्निंग टू 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 टू। चलो हैंड वॉश करना पड़ेगा। चलो इस बारी हमें ऑपोजिट साइड मिली है बैठने के लिए, फिलहाल के लिए हम लोगों ने ऑर्डर तो कर दिया है, अब देखते हैं कब तक आता है, थोड़ा सा वेट तो हमें करना ही पड़ेगा। और आई होप कि कटिंग अच्छी हुई हो नेहा की, तुम्हें को अच्छी लग रही है, पर मेरे को मेरा समझ नहीं आ रहा, जैसा मैं चाहता था वो हुआ नहीं, भैया ने तब तक नहीं बीएड का बता रहा, बाल भी और बीएड का भी तब तक बीएड छोटी थी, मैं सोच रहा था कि थोड़ी सी हैवी रखूंगा, पर चलो बढ़ जाएगा। वो यही सोच रहे होंगे ना कि ग्राहक आ गया है, अभी कटिंग हुई है, बाद में कलर करवा देंगे, तो धीरे धीरे काफी टाइम से आते भी है, मैं तो वैसे कुछ कराती नहीं, अच्छी कराता हूँ, आज मैंने कटिंग करवाई। और यहाँ से ना आपको व्यू दिखाता हूँ, इसमें कैमरे में बहुत जबरदस्त लगेगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितना खूबसूरत व्यू है, पूरा आपको सिमेट्री संजौली दिखाई देगा। वाओ, तो जब तक ऑर्डर नहीं आता मैंने सोचा कि चलो आपको यहाँ से व्यू ही दिखा देता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे बाहर बैठ के भी एंजॉय कर सकते हैं, और वैसे अंदर भी बैठ सकते हैं, अंदर भी काफी स्पेस है। तो यहाँ पे आ चुका है जी हमारा पिज्जा, हमने सोचा कि पिज्जा भी खाते, काफी टाइम हो गया हम लोगों ने पिज्जा नहीं खाया है, और नेहा को भी क्रेविंग हो रही थी। ज्यादा मैं शूट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे गाने लगे है, बैटरी भी नहीं और गाने भी लगे साथ में, कॉपीराइट आएगा। तो कैसा लगा आपको फूड, बाकी हम नहीं बताएंगे क्या खाया। हाँ वो आपको पता ही है, तो मैं नहीं बताना चाहूंगा, फिर जज करने लग जाओगे। अभी हमें यहाँ 5-10 मिनट किसी का वेट करना है, मतलब जितना जल्दी हो सके, पर अपनी तरफ से तो 5-10 मिनट लेके चल रहा हूँ मैं, तो हाँ फिर जैसे ही वो आएंगे फिर निकलेंगे हम घर को, ठीक है। तो अपना आखिरी काम भी हो चुका है, और अच्छी बात यह है कि फर्स्ट फ्लोर पे ही पार्किंग मिली थी, तो आसानी से हम लोग पहुंच चुके हैं गाड़ी के पास। तो अब जाके हम लोग घर पहुंचे, आज तो काफी टाइम हो गया है, विद दिस बैग जो मम्मी लेके आया गांव से, जिसमें सामान आया है,
के 5 बज रहे और सुबह के हम लोग में भी शायद 10 साढ़े 10 बजे के निकले हुए, पर चलो अच्छा है कि अगर आपका दिन अच्छा बीत गया तो सब बढ़िया है। और यही तो टास्क होता है यार, दिन को अच्छे से निकालना और आपको भी अच्छा अच्छा दिखाना, कोशिश तो यही रहती है। और बोरिंग लाइफ नहीं जीना। हाँ बहुत होता है ना कि लोग फिर ऐसे बोरिंग, ठीक है यार, जब तक जा सकते हो बाहर जाना चाहिए, आउटिंग करनी चाहिए, जिंदगी एक बार मिलती है तो सब कुछ करो, बाद में ये ना हो कि ये नहीं किया वो नहीं किया, ये नहीं रहना चाहिए जिंदगी में। तो जब जिंदगी मिली है इसको अच्छे से एंजॉय करो। चलो भाई घर पहुंचते हैं, अपना सामान रखते हैं, चाय पीते हैं। हाँ राइट, आप बोलोगे चाय भी पीते रहते हैं, वॉक भी करते रहते हैं, चाय नहीं पीनी। बताना नहीं पड़ता इनको, बस इशारा करना पड़ेगा चलो। एक दूसरे को भी। तो आज तो नजदीक में ही नेहा का काम हो गया और भाभी आ चुके हैं नेहा को मेहंदी लगाने। थैंक यू सो मच भाभी, आपने ना हमारा काम बहुत आसान कर दिया, नहीं तो ये तो बोल रही थी मैं संजौली में बैठ जाऊंगी आज, और इतना रश था वहां पे, एक एक इंसान के पास बहुत सारे लोग थे। हाँ ये तो है। तो भाभी का ये है कि अभी तो उनका बेबी छोटा है और वो खुद 7 मंथ प्रेग्नेंट है। हाँ, फिर से तो इनका ये है कि नेक्स्ट ईयर से ये यहीं पे खोलेंगे या शायद ऊपर विकास नगर में, ऐसा। हाँ तो फिर हम जरूर बताएंगे आपको एडवांस में, आप वहाँ पे जा सकते हो। अभी लगी नहीं है, अब इसके बाद में जब लगेगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ जरूर, अभी आपको मैं समय देता हूँ, मैं चाय बनाता हूँ, तब तक आप लोग आराम से मेहंदी लगाओ। ठीक है। तो भाभी के साथ हमारे घर में आई है आयत, तो ये है भाभी की पहली बेटी, तो इतनी प्यारी है कि जब से आई है, हाँ, तो इनका मन लगा हुआ है। हेलो कैसे हो, कैसे हो? ठीक हो? ठीक है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? आयरा। नायरा? आयरा। आयरा, हाँ आयरा है। हम मुझे खुद भी याद नहीं रहता, मैं आयत बोल रहा हूँ। मैं भी आयत ही बोलती हूँ। आयत ही है इसका नाम, आयत ही है वैसे। आयरा। अच्छा बहुत स्मार्ट है। पी ली चाय आपने? अच्छी लगी? अभी नहीं पी। अच्छा अभी नहीं पी, ठीक है ठीक है, खाओ खाओ आप आराम से। हाँ ये खाओ ये खाओ, गुड। कितनी लगी मेहंदी? एक हाथ की कम्प्लीट होगी, मतलब एक हाथ की कम्प्लीट होगी, दिखाओ। वाओ नाइस। चलो जब पूरी लग जाएगी तब दिखाते हैं। तो भाई लगभग मेहंदी लग ही चुकी है, अब बैक साइड में आ चुके हैं, मेरे ख्याल से लास्ट हैंड है, एक हाथ में तो पूरा लग चुका है आगे पीछे, ये वाला हाथ। क्या बात है, चलो दिखाते हैं आपको। और नेहा बता रही थी मुझे कि आज का ही दिन था 1 साल पहले और इसको मेहंदी लग रही थी, और उसके बाद फिर हमारी शादी एनिवर्सरी भी आने वाली है। 18 को मुझे मेहंदी लगी थी, 19 को मेरे मामे आए थे और 20 को हम तिलक निवास पहुंच गए। तो कितने जल्दी समय बीत जाता है तो पता ही नहीं चलता है। अभी मेरे को, मैं भाभी को बोलती यार आज के दिन ही मेरे को मेहंदी लगी थी। इसी टाइम पे सो लकी, फिर से वैसा ही हो रहा है ना। और यहाँ पे आयत पूरी तरह से बोर हो चुकी है। क्या बेटू 10 मिनट बैठ जा शांति। आपको लगानी है मेहंदी? आपने लगानी है? नहीं मैंने लगाया। ओए गुड, कब लगाया? कल। गुड गुड, अच्छा ठीक है ठीक है। तो भाई नेहा की मेहंदी जो है वो लग चुकी है, पहले मैं पाँव की दिखाता हूँ आपको। तो ये है जी पाँव की मेहंदी, काफी अच्छी लग रही है यार, नो डाउट। और अगर आप विकास नगर में हो, आप भी लगवाना चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, मतलब हमें कमेंट सेक्शन में बता दे तो हम आपको बता देंगे कैसे कैसे कहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। ये ऑफर करवा चौथ तक ही वैलिड है, उसके बाद नहीं है, ऐसा ना सोचना कि आप लंबा चलेगा ये ऑफर। नहीं वैसे अगर किसी को जैसे शादी के पर्पज से लगानी है या कुछ ना, तो भाभी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बोला है, ये तो जस्ट मैं जा नहीं सकती थी बाहर, तो इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं आप आराम से, मैं यही लगाती हूँ, मुझे तो सच में पता भी नहीं था। तो भाभी का भी थोड़ा सा हाथ बैठ गया और मेरे लिए भी मेहंदी लग गई। तो आप लोगों को किसी को भी लगानी है विकास नगर में, क्योंकि और ये बाहर आ नहीं सकते अभी क्योंकि उनके छोटे बच्चे हैं, जिसको भी लगानी है आप लगा सकते हो। आप देख सकते हो कितनी अच्छी लगाई है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लग रही है। आज के दिन का पता ही नहीं चला कैसे बीत गया, और काफी अच्छा दिन है आज इसीलिए क्योंकि आज नेहा ने कटिंग भी करवा दी, आज के दिन नेहा को मेहंदी भी लग गई, करवा चौथ का गिफ्ट भी मिल चुका भी है। क्या बात है, दिखाइए जरा, KAMU। क्या बात, हार्ट भी बनाया, तो नाम भी लिख दिया है। और परसों हमारी एनिवर्सरी है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। कोई प्लान नहीं है अभी तक, समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे, क्योंकि कहीं बाहर पता नहीं जा सकते कि नहीं, पर कैसे कोई होगा। बात नहीं, मुझे नहीं ऐसा कि हम कोई सेलिब्रेशन करें, कोई बात नहीं, हम एक दूसरे के साथ भी टाइम स्पेंड करेंगे,
फिलहाल हमने यही सोचा है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ही सेलिब्रेट करेंगे, कैसे करेंगे अब ये नहीं पता है, हाँ, लेट्स वो सी। हमें भी नहीं पता है, हाँ पर चलो देखते हैं, अभी है हमारे पास कल का दिन। बिल्कुल। तो जी अब मैं सोच रहा हूँ इसी के साथ इस ब्लॉग को भी यहीं पे खत्म करता हूँ, काफी लंबा ब्लॉग हो गया होगा क्योंकि हमें भी आइडिया नहीं है, सुबह से ही हम लोग बाहर है और शूट करते जा रहे। तो मैं सोच इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।